हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा और मैं आज आपके साथ एक फेशियल हेयर रिमूवर शेयर करूँगी जो कि बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के बाल जो बहुत ही जिन लोगों के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं यहाँ होते हैं अपर लिप्स पर, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और होम रेमेडी से आप यूज़ करना चाहते हो नहीं, और यहाँ से जो बाल हटाते हैं तो बहुत दिक्कत भी होती है क्योंकि इनको वैक्स तो करा नहीं सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आपका जो मेकअप करते हैं तो फ्लॉलेस नहीं नज़र आता है क्योंकि हेयर की वजह से अच्छा नहीं दिखता है। तो आज मैं उसके लिए आपको होम रेमेडी बताऊंगी, बहुत ही अच्छी है। आप इसको हफ्ते में दो बार भी कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके अगर आपकी स्किन में ज़रा भी अगर मुहासे वगैरह तो उन पर इधर पर ज़्यादा मत रगड़िएगा, लेकिन यहाँ जहाँ पर आपको ज़्यादा फेशियल हेयर हैं वहाँ पर आप अच्छे से अप्लाई कीजिए, और इस तरह से हटाएंगे तो आपके जो हेयर होंगे वो आराम से निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही रिमूवर बताऊंगी और बहुत ही अच्छा है, आप इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आपका फेस ग्लो भी करेगा और आपकी जितने भी आपको अगर टैनिंग हो रखी होगी वो भी ठीक हो जाएगी, तो इस वजह से आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो मैं ये है रिमूवर बहुत ही अच्छा है, होम रेमेडी है, आपको हर इफ़ेक्ट करेगी, बहुत ही अच्छे से बनाएंगे आप और अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ़र्क महसूस होगा। आपके जो हेयर होंगे वो बिल्कुल ही आपके सही रहेंगे, साफ़ हो जाएंगे, एकदम धीरे धीरे निकल जाएंगे। पहले तो फर्स्ट एप्लीकेशन से आपके अगर आपके बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिस किसी के बहुत ज़्यादा बड़े हेयर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे दाढ़ी टाइप लगते हैं लेकिन रहते स्किन कलर के हैं। वैसे मेरे तो बहुत ही कम हैं, आपको दिखाई भी नहीं देंगे, किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं, और मुझे यूज़ करने की भी ज़रूरत इनफैक्ट नहीं पड़ती है, लेकिन मैं कभी कभी कर लेती हूँ। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, मुझे पता चलता है कि हाँ इससे निकल रहे हैं, तो मैंने सोची कि आपको आप लोगों को भी ये होम रेमेडी मैं बता दूं। और बहुत ही अच्छी है ये होम रेमेडी, आप लोग इस होम रेमेडी को ज़रूर कीजिए और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। फेशियल हेयर रिमूवर के लिए हमें चाहिए ये मसूर दाल लेनी है हमको, आपके फेस के हिसाब से लेनी है क्योंकि इसको दो बार लगाना है आपको फेस पर, तो इस हिसाब से लेनी है। और लेना है एक टमाटो लूँगी मैं, और इसमें जूस डाल लूँगी। मसूर दाल बहुत अच्छी होती है हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए, तो इसमें आपकी जितने भी फेस पर दाग धब्बे होते हैं वो इससे ठीक होते हैं, और आपकी जितनी भी गंदगी डर्ट होती है आपकी स्किन में वो भी इससे रिमूव हो जाती है मसूर दाल से। और इसमें ये मैं टमाटो यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके फेस पर जितनी भी टैनिंग वगैरह होगी वो हट जाएगी, आपकी जो फाइन लाइन्स रिंकल्स वगैरह होंगी वो हट जाएंगी इससे, इसलिए मैं टमाटो का यूज़ कर रही हूँ। इसका पल्प ले रही हूँ मैं अच्छे से, इसको इस तरह से दबा के ले लेना है, नहीं तो फिर इसमें पल्प नहीं आता, इसलिए मैं इस तरह से ले रही हूँ। एंटी एजिंग का भी काम करता है ये टमाटो, इसमें एंटी एजिंग को कम करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए मैं टमाटो का यूज़ कर रही हूँ। अपना टमाटर आप ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको, और ले रही हूँ लेमन जूस, ये भी एसिडिक होता है और आपके फेस पे जितने भी दाग धब्बे होते हैं उनके पे काम करता है और आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, ब्राइटिंग एजेंट होता है इसमें, एसिड तो होता ही है इसमें, टमाटो में भी एसिड होता है, दोनों का काम ही सेम ही है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही इसमें एसिड होता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मैं ले रही हूँ। आपके फेशियल हेयर इससे दो बार में अच्छे से निकल जाएंगे, आप इसको हफ्ते में दो बार। और मैं ले रही हूँ हनी, ये है डाबर का हनी ले रही हूँ मैं, हनी तो आप जानते ही है एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है,
आपकी आपके पिंपल और एक्ने को जो फाइट करता है, उनसे लड़ने की ताकत रखता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। अच्छे से मिक्स करके इसको दो एक आधे घंटे के लिए रख दीजिए, एक घंटे के लिए नहीं, आधा घंटे आप रखा रहने दीजिए इसको बनाकर, तो ये थोड़ा इसमें चिकनापन आ जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा पैक हो जाएगा, आपको लगाने में इजी भी हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और इसमें अगर आप ज़्यादा गाढ़ा सा हो रहा हो तो इसमें थोड़ा हनी वगैरह और डाल दीजिए, मैं और डाल दे रही हूँ इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करना है, जितने भी इसमें ये टमाटो के ये पीस हैं इसको अच्छे से दबा लेना है, और ये आपको बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा आपके फेस पर, और फेस में एकदम ब्राइटन और आपके जितने रिमूव होंगे हेयर्स वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, हल्के हल्के निकल ही जाएंगे। आपके बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो अच्छे से पता चलेगा कि निकल रहे हैं नहीं, मेरे तो इतने ज़्यादा नहीं है इसलिए पता नहीं चलता है, फिर भी मेरे निकल जाते हैं, जितने भी होते हैं उससे थोड़ा तो पता चलता ही है, स्मूथ हो जाती है स्किन। तो चलिए देखते हैं इसको लगाना कैसे है। इस पैक को हम इस तरह से लगा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, अपर डायरेक्शन में लगाना है आपको। आप लगाएंगे इस तरह से नीचे की साइड, जैसे बाल रहते हैं उस तरह से, इस डायरेक्शन में आपको लगा लेना है पूरे फेस पर। पहले पतला लेयर लगाइए, उसके बाद एक लेयर और लगानी है इसके ऊपर से, सूख जाएगा जब। इस तरह से आपको लेयर लगा लेनी है, इस तरह से लगा लीजिए आप। पूरे फेस पे इस तरह से आप लगा लेंगे, उसके बाद फिर मैं जब थोड़ा सूख जाएगा 10 मिनट बाद फिर से एक लेयर और लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा ये एक 10 मिनट बाद ये सूख गया है, इसमें एक बार और इस पर अप्लाई कर लेंगे, इधर जहाँ पर आपको ज़्यादा हो हेयर्स फेशियल हेयर वर्क से, इसमें आप उधर पे ज़्यादा आप लगा लीजिए और इसको सुखा लीजिएगा अच्छे से, तो आपकी ये जो लेयर है वो अच्छे से यहाँ पर से आपके साफ हो जाएंगे हेयर। एक बार में तो ये होम रेमेडी है, देखिए गाइस ये होम रेमेडी है, तो ये इस तरह से नहीं ख़त्म होते हैं, थोड़ा तो टाइम आपको देना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट आप घर पर कर रहे हैं और होम रेमेडी के थ्रू कर रहे हैं, तो समय तो आपको लगेगा ही, लेकिन हाँ इससे रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, आप इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइए अगर इससे आपको प्रॉब्लम ना कुछ आपको लगे कि नहीं इससे नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ और भी आपको बता दूँगी, कोई और तरीका भी बताऊँगी, लेकिन आपको फ्रेंड्स बताना तो पड़ेगा ही कि आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, आपके हेयर्स निकल रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो मुझे बताना तो जब मुझे पता चलेगा तभी मुझे पता होगा ना। वैसे मुझे तो मेरे ऊपर तो ये वर्क करता है और ये रिमूव भी बहुत अच्छे से कर देता है मेरे हेयर्स को। और आपके हेयर्स अगर बहुत जिन लोगों के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हेयर्स होते हैं तो उन पर तो ये डेफिनेटली काम करता ही है। जब मेरे इतने हल्के हल्के हेयर्स हैं वो निकल जाते हैं, तो जिनके बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं वो भी निकल ही जाएंगे। तो इस तरह से आपको डबल लेयर लगा लेनी है, अच्छे से सुखा लीजिए इसको, अच्छे से इसको टाइम दीजिए सूखने का, फिर आप इसको रिमूव करिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, जब ये सूख जाएगा पूरा तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा ये एक 10 मिनट बाद ये सूख गया है, इसमें एक बार और इस पर अप्लाई कर लेंगे, इधर जहाँ पर आपको ज़्यादा हो हेयर्स फेशियल हेयर वर्क से, इसमें आप उधर पे ज़्यादा आप लगा लीजिए और इसको सुखा लीजिएगा अच्छे से,
तो आपके ये जो लेयर है वो अच्छे से यहाँ पर से आपके साफ हो जाएंगे हेयर। एक बार में तो ये होम रेमेडी है, देखिए गाइस ये होम रेमेडी है, तो ये इस तरह से नहीं ख़त्म होते हैं, थोड़ा तो टाइम आपको देना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट आप घर पर कर रहे हैं और होम रेमेडी के थ्रू कर रहे हैं, तो समय तो आपको लगेगा ही, लेकिन हाँ इससे रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, आप इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुझे कमेंट करके बताइए अगर इससे आपको प्रॉब्लम ना कुछ आपको लगे कि नहीं इससे नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ और भी आपको बता दूंगी, कोई और तरीका भी बताऊंगी, लेकिन आपको फ्रेंड्स बताना तो पड़ेगा ही कि आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, आपके हेयर्स निकल रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो मुझे बताना, तो जब मुझे पता चलेगा तभी मुझे पता होगा ना। वैसे मुझे तो मेरे ऊपर तो ये वर्क करता है और ये रिमूव भी बहुत अच्छे से कर देता है मेरे हेयर्स को। और आपके हेयर्स अगर बहुत जिन लोगों के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हेयर्स होते हैं तो उन पर तो ये डेफिनेटली काम करता ही है। जब मेरे इतने हल्के हल्के हेयर्स हैं वो निकल जाते हैं, तो जिनके बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं वो भी निकल ही जाएंगे। तो इस तरह से आपको डबल लेयर लगा लेनी है, अच्छे से सुखा लीजिए इसको, अच्छे से इसको टाइम दीजिए सूखने का, फिर आप इसको रिमूव करिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, जब ये सूख जाएगा पूरा तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इसको, ये सूख गया है, अब इसको मैं अपर डायरेक्शन में इसको रिमूव करूँगी इस तरह से, तब जाके ये निकलेंगे हेयर इस तरह से। अभी मेरा ज़्यादा अच्छे से सूखा नहीं है, लेकिन आप इस तरह से पूरा अच्छे से सूख जाने दीजिए, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ इसलिए। मैं आपका फेस एकदम ग्लो हो जाएगा, क्योंकि मसूर दाल बहुत ही अच्छी होती है फेस के लिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके हेयर्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे, फेशियल हेयर देखिए। इसके बाद आपको निकाल के फेस को वॉश करना है पानी के साथ, और कुछ भी मतलब फेस वॉश यूज मत कीजिएगा, सिर्फ पानी से ही वॉश कर लेना है आपको फेस को, और उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चर क्रीम लगा लीजिए। बहुत ही अच्छा पैक होता है ये फेस के लिए, अगर आपके फेस पे हेयर भी नहीं है तो भी आप इसको लगाएंगे ना, तो आपके फेस को ग्लो भी मिलता रहेगा। अगर आप ऐसे भी लगाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने शहद डाला है तो ये बहुत ही अच्छे से, क्योंकि चिकना होता है, चिपकता है शहद, चिपचिप वाला होता है, इसलिए आराम से ये निकल रहे हैं हेयर्स। बहुत ही जेंटली रहना है आपको, हार्श नहीं होना है। अपर डायरेक्शन में हमेशा जब भी आप लगाएंगे अपर डायरेक्शन में ही इसको इस तरह रिमूव करेंगे। Thank you.
मैं फेस वॉश करके आती हूँ, धुलकर आती हूँ पानी से। तो फ्रेंड्स मैंने फेस वॉश कर लिया है, अब मैं अपने घर का बना जो मैंने बनाया था रोज वाटर वो अप्लाई कर लूंगी। तो इसको डैप डैप करके ही आपको ऐसे ऑब्जर्व करवाना है। वो मैंने जो सीरम बनाया था नाइट सीरम, मैं वो अप्लाई करूंगी, जो मैंने आपको सिखाया है बनाना, मैं उससे ही मॉइस्चर कर लूंगी, अपने फेस को मॉइस्ट कर लूंगी। इससे मैं 2 मिनट के लिए अपने फेस को मसाज करूंगी। गाइस आपकी जो आईब्रोज होती हैं वो अगर नीचे की साइड में हैं तो आप इस तरह से मसाज करेंगे तो आपकी ये जो आईब्रो का नीचे का शेप है वो आपको ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसलिए इस तरह से इस डायरेक्शन में आप फेस की जो ग्रोथ होती है, इसकी आईब्रोज की ग्रोथ होती है, वो इस तरह से आप ले जाइए और इस तरह से ऐसे कीजिए तो आपकी जो आईब्रो का शेप होगा वो भी ऊपर की तरफ हो जाएगा। That's it, बस नहीं, बाय। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि इसको लगाना कैसे है, किस तरह इसको बनाना है और किस तरह इसको अप्लाई करना है। और हाँ फ्रेंड्स, और आप 20 इयर्स के हैं तो आप इसको कन्फर्मली लगा सकते हो, लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा मुहांसे, बहुत ज़्यादा पिंपल हैं, मुहांसे हैं, बहुत ही ज़्यादा फेस पर दाने वगैरह हैं तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और वहीं लगाइएगा। अगर आपके यहाँ पर हेयर हैं तो इधर अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर मत अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपके जो मैंने इसमें जो यूज़ किया है वो आपके शायद फेस पर आपको इससे लग भी सकती है, दाने वगैरह भी हो और ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए इसको बाद में इस तरह से मत लगाइएगा, सिर्फ ये इधर का एरिया को कवर कर लीजिए और यहाँ अपर लिप पर कवर कर सकते हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस रेमेडी को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग मुझे नए देख रहे हैं, मेरा चैनल नया देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी हिट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके पास मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास वो पहुँच जाएगा और आप उसको भी इन्जॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये रेमेडीज़ कैसी लग रही है, और भी मैं चीज़ें लेकर आ रही हूँ कुछ आप लोगों के हिसाब से। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों बाद मैं अपने घर भी जाऊँगी तो मैं आपको वहाँ से भी कुछ चीज़ें बताऊँगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए, मुझे लाइक जब मिलता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग ने मुझे लाइक तो दिया कम से कम। तो इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ आपने वीडियो देखा और लाइक कर दीजिए, आपको इसमें कुछ आपका कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एक उंगली आपको प्रेस करनी है कि आप बस उंगली रख से आपको टच करना है और आप लाइक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बाय।